आप लोगों ने मेरी वीडियो खोल ली है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लाइक भले ही ना करिए, कमेंट भले ही ना करिए, लेकिन हाँ कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन वीडियो देखें, लेकिन आप लाइक भले ही ना करिएगा, लेकिन आज मेरी वीडियो की पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है, आज मेरी वीडियो की पूरी बातें सुन लीजिएगा, मैंने क्या क्या बोल दिया है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो आज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक एक प्लांट या पेड़ अपने घर या गार्डन खेत खलिहान जहाँ भी जगह आप बीवी बच्चों के साथ आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, धरती बचाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए। तो आज ये काम आप लोगों को जरूर करना है, संकल्प लीजिए कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो तीन पेड़ दो पेड़ तो हमें लगा ही देना चाहिए, क्योंकि उनको संवरने में टाइम लगता है ना। तो आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस, पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, धरती बचाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, ये जो तापमान बढ़ रहा है ना इसको भी कम करिए। इसीलिए ये कह रहे हैं नौतपा की गर्मी लग गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, गर्मी बहुत है, परेशान है। तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो परेशान होंगे, अभी इस साल कुछ और है, अगले साल और तापमान जाएगा, फिर अगले साल और जाएगा, फिर वो दिन दूर नहीं जो 60-70 में तापमान चला जाएगा, हाहाकार करके दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हमें पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ चमगादड़ होते हैं ना, जो पेड़ आप लोगों हमारे यहाँ की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ बगीचा, तो उसमें चमगादड़ लिपटे रहते थे, तो 200 चमगादड़, मतलब बहुत सारे चमगादड़, उनको दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता, तो 200 चमगादड़ बिल्कुल एक रात में मर गए, इतनी नौतपा की गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में कि 200 चमगादड़ मर गए थे। तो वो न्यूज में पेपर में निकला था, हम लोगों ने भी देखा भी है, देखने भी गए थे, एकदम से बेचारे पूरे बिछे हुए पड़े थे, क्योंकि उनको दिन में नहीं दिखता, तो जैसे ही वो जिधर लिपट गए तो लिपट गए, तो जहाँ उनको धूप लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, तो वो बेचारे ही प्यास के मारे या सुलझ गए, गर्मी के मारे सुलझ गए। तो हमें ये पर्यावरण पेड़ लगाना चाहिए फ्रेंड। तो आप लोग से मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को पूरी देखिएगा, भले ही आप लाइक बिल्कुल भी ना करिए, मैं नहीं कह रही कि आप मुझे लाइक करिए, ना मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब करिए, आज के लिए मैं नहीं कह रही कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी बातें आप लोग ज़रूर सुनिएगा, और वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर। फ्रेंड वेलकम टू एमके गार्डन, तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बोले भी जब भी गलती हो जाए तो आप करिएगा फिर चुका धन्य करेगा फ्रेंड। और फ्रेंड आज आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज क्या है, तो आज मैं बता दूं कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने घर में या गार्डन बनाएं, या फिर आपके खेत खनिहान जहाँ भी जगह पड़ी है तो आप भी पौधे लगाएं, क्योंकि हमारे देश को पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने पेड़ कट चुके हैं, इतने पेड़ कट चुके हैं कि पूछो ना। तो हम जितने काटते नहीं हैं लोग, जितने लगाते नहीं हैं उतने ज़्यादा तो काट देते हैं। तो हमें अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2-3 पेड़ तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम लगता है होने में, 3-4 साल का टाइम, 8 साल का टाइम लग जाता है उनको तैयार होने में। हमारे भारत देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, अगर हम पेड़ ही काट डालेंगे तो फिर ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी। तो ऑक्सीजन देखिए, अब तापमान कितना इस साल गया है, अगले साल इससे ज़्यादा जाएगा, फिर और अगले साल इससे ज़्यादा जाएगा, तो अगर इसी तरह पेड़ करते रहेंगे तो तापमान तो बढ़ेगा ही, आप लोग सभी जानते हैं, सभी होशियार हैं, शिक्षित हैं, सभी जानते हैं कि मतलब तापमान बढ़ेगा ही, जैसे ही जैसे टाइम आता जाएगा हर साल। पिछले वर्ष कुछ और था, इस साल कुछ और है, इस साल आपने देखा कि प्लांट किस तरह से जल रहे हैं, तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लांट या मतलब पेड़ ज़रूर लगाइए, नर्सरी से ले आइए, आम हो गया, महुआ हो गया, पीपल हो गया, नींबी हो गई, ऐसे खाने वाले फल वाले भी लगा सकते हैं, और ऐसे भी प्लांट आप लगा सकते हैं जो जैसे आम, वो सॉरी जैसे महुआ हो गया, नीम का हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ऐसे भी प्लांट हम लगा सकते हैं बहुत सारे, जहाँ खेत खलिहान रोड के किनारे जहाँ भी जगह दिख रही है हम लोगों को लगाना चाहिए। और हम अपने गार्डन में अगर लगा रहे हैं तो गार्डन में हमें स्नैक प्लांट, अरिका पाम, ऐसे स्पाइडर प्लांट, ऐसे प्लांट लगाना चाहिए जो ऑक्सीजन से भरपूर हों। ऑक्सीजन तो वैसे सारे प्लांट देते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन से भरपूर सभी प्लांट हैं, ऑक्सीजन सभी पौधे देते हैं। तो हमें यहाँ पे गार्डन में भी ऐसे ही प्लांट लगाइए जो ऑक्सीजन से भरपूर हो, अरिका पाम, स्नैक प्लांट और स्पाइडर प्लांट, जड़ प्लांट, एलोवेरा, ऐसे पौधे हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और बड़े बड़े प्लांट हम इधर उधर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, वो प्लांट भी दिखा दे रही हूँ।
स्नैक प्लांट, आप स्नैक प्लांट अपने गार्डन में लगाइए, ये स्पाइडर प्लांट है, इनको भी अपने गार्डन में लगाइए, और अरिका पाम भी लगाइए। मैं आप लोगों को अरिका पाम की भी दिखा दे रही हूँ। ये रहा फ्रेंड अरिका पाम, ये अरिका पाम है, इसको भी आप अपने गार्डन में लगाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें प्राणवायु कहा जाता है, जीवायु प्राणवायु कहा जाता है। ये प्लांट भरपूर ऑक्सीजन देते हैं, अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं, अपने घर में लगा रहे हैं। देखिए ये प्राकृतिक हैं, कितने अच्छे से ये पेड़ पौधे कितने खूबसूरत लहलहाते हैं, जब हरा भरा लगता है तो हम खुले आसमान के नीचे इन पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो कितना खूबसूरत कितना सुंदर लगता है। कहीं भी आप धूप से आ रहे हैं और कहीं आप लोगों को बगीचा दिख जाए, आप वहां जाके पेड़ के नीचे बैठ जाए तो कितनी ठंडक महसूस होती है, कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जितना ज़्यादा लगे नहीं उतने ज़्यादा कटे जा रहे हैं। हमारे भारत को देखिए 500 करोड़ पेड़ों की ज़रूरत है, इतने पेड़ हमें लगाना चाहिए। कहते नहीं है पेड़ लगाइए पर्यावरण बचाइए, तो हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है, सबकी जान बचाना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो ये सारे काम हमें करना चाहिए, हम खुद ही करेंगे। अगर हम सब लोग सोच लें कि अगर हम एक पेड़, हमारे घर के कोई भी सदस्य अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसके बदले में 3 पेड़ एक्स्ट्रा लगा देना चाहिए। अभी आप लोगों ने एक बार आंदोलन चला था ना कि पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, और इसी तरह पेड़ काटे जा रहे थे तो जो लोग थे वो पेड़ों में लिपट जा रहे थे कि इनको मत काटिए, लेकिन काटे जा रहे थे। तो ऐसा नहीं करिए, देखिए पेड़ों से ही हर चीज़ बनती है, कागज, कुर्सी, फर्नीचर, जो भी चीज़ें बनती हैं ये लकड़ी से ही तो बनती हैं, तो ये चीज़ें बनती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ना कि हमें काटना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगा देना चाहिए। तो आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, आज के दिन हमें हो सके तो आप लोग एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन या घर में या गमले में, या फिर आपके कहाँ जहाँ भी जगह पड़ी है आप वहाँ एक पेड़ ज़रूर लगाए, अपने बच्चों से लगवाइए, आप लगाइए, अपने बीवी बच्चे साथ में सब लोग मिलकर लगाइए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत खुश होते हैं प्लांट। जब आप जैसे एक पेड़ होता है, जैसे एक बच्चा होता है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसको पालते हैं पोसते, उसी तरह एक पेड़ जो होता है उसकी हमें इसी तरह सेवा करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे की तरह। तो आप भी एक पेड़ अपने जहाँ भी हो सके, आपके जहाँ भी जगह है, आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। इनके साथ बैठने में, इनके साथ बात करने में, जो भाई बहन गार्डनिंग कर रही हैं वो तो खैर लगाएंगी हैं, जो गांव से हैं जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज के दिन तो वैसे तो हमेशा आप लोगों को पेड़ लगाना ही चाहिए। सोच लीजिए अपने दिमाग में कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में 2-3 पेड़ तो आप लगा ही दो, तब बाद में एक पेड़ काटने की सोचो। ये नहीं कि आप सब लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई मानता ही नहीं है, चोरी चुपके से पेड़ काटे जा रहे हैं। वैसे तो पेड़ काटना मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग पेड़ चोरी चुपके से काट लेते हैं, रात में काट डालते हैं, कोई आग ही लगा देता है तो जल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, इनमें भी जान होती है, और आप थके हारे इनके पास बैठेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसीलिए कहते हैं इनमें भी आत्मा होती है, जिसमें जान होती है उसी के पास तो सुकून मिलता है, और इनमें जान है। बेचारे बोलते नहीं हैं लेकिन सब कुछ कह जाते हैं बिना ही बोले, तो इनके पास आप लोगों को बैठना चाहिए, इनसे बातें करना चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं, सब जानते मानते हैं, इनमें भी आत्मा होती है। जब आप एक कुल्हाड़ी इनको मालते हो तो इनसे पानी निकलता है, वो पानी नहीं है, ये रोते हैं कि हमें मत काटो हमारे लग रहा है, ये भी रोते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बिना ही सोचे समझे इंसान ऐसा मतलब स्वार्थी हो जाता है कि बिना ही सोचे समझे पेड़ों को काट डालता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनमें भी जान होती है, बिना सोचे समझे ही मार दिया और वो कट गए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज मेरी वीडियो इसी के ऊपर है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सुंदर सुंदर से अपना गार्डन सजाइए, सुंदर सुंदर से DIY बनाइए, सुंदर सुंदर से प्लांट लगाइए। हो सके तो आप अगर गार्डन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पेड़ तो आज के दिन, या महुआ का हो या फिर पीपल हो या फिर नीम हो, आज के दिन आप ऐसे पेड़ लगा दीजिए जो कि दूसरे को ठंडक पहुँचाए। पेड़ हमेशा आप स्वार्थ नहीं करें, वो तो दूसरे को ही ठंडक पहुंचाता है। देखिए पेड़ जो होता है कभी फल नहीं खाता, वो दूसरे लोग ही फल खाते हैं। तो इसी तरह नदी देखिए, नदी में पानी बहता है लेकिन नदी स्वयं पानी नहीं पीती, सब लोग उसमें पानी पीते हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ बहुत ही
ऑक्सीजन और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, पर्यावरण बचाइए, धरती बचाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रह लेगा। इसलिए प्राकृतिक ने जो ये बनाए हैं, भगवान ने जो ये पेड़ पौधे बनाए हैं, तो उनको आप काटिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी भी धरती स्वच्छ रहेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा और बारिश भी होगी, और इतना ज़्यादा तापमान नहीं होगा। जो आज तापमान 45 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, वो नहीं जाएगा, वो मीडियम ही रहेगा, और आप लोगों को इतनी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे तो हमारे से ठंडक रहेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन इतना कहाँ कोई सोचता है, इतना कोई सोचता नहीं है, सीधे काट डालता। तो आप लोग भी अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात से सहमत हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक पेड़ हाथ ज़रूर लगा दीजिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं, आज भी इस पर दिवस है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड।